अरे यार पूरे दो घंटे हो गए यार, अब तक बालू लौटा नहीं है फोटो का रोल धुलवा के। यार अगर मिसेस देसाई किचन से बाहर निकल गई, उन्होंने मुझे देख लिया और बालू को नहीं देखा ना, तो वो मुझे धो डालेंगी। लीजिए भाई साहब आपका ढोकला सिजलर। यार इस सिजलर में से तो धुआं ही नहीं निकल रहा। पीयूसी करवाया ना? क्या मतलब गुजराती सिजलर है ना, खाना खाने के बाद धुआं निकलता है। जाओ खाओ मजा आएगा। किसी के घर पे मामे नहीं है क्या? लफंगा सड़क छाप आवारा गुंडा मवाली कमीना हरामखोर। भैया तुम दोनों किसके नाम का श्लोक पढ़ रहे हो यार? कहा बताया भैया, इस शहर में तो मतलब शरीफ इंसान का घूमना मुश्किल है बिल्कुल। मतलब सरे आम जो है बहु बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते हैं। गुंडा मवाली कमीना हरामखोर लुच्चा लफंगा सड़क छाप आवारा, ये मैंने पहले कहीं सुना है। जरा हटना बालू, मेरे दोस्त, मैंने तुझे भेजा था ना फोटो का रोल धुलवाने। अरे वही तो गए थे भैया, वहां पे एक डॉली भी मिल गई। अरे वही पर तो वो बदमाश था, उसने अपना कमीनापन दिखा दिया और सबके सामने ना मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया। ना, 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 ना। बालू ने उसकी क्या जम के धुलाई की। बाय द वे उस वक्त तुम्हारी इज्जत तुम्हारे पास थी? मेरी इज्जत तो हमेशा मेरे पास रहती है। मेरा मतलब है उसने हाथ कहाँ डाला था मेरी इज्जत पर? तुम्हारी इज्जत नॉर्मली रहती कहाँ है? हद कर दे, लड़कियों की इज्जत कहाँ रहती है ये तुम्हें पता नहीं? नहीं चलो मान लिया कि मुझे पता है लड़कियों की इज्जत कहाँ रहती है, लेकिन तुम उस वक्त उस दुकान पर क्यों गई थी? कपड़े धुलवाने। कपड़े धुलवाने फोटो लैब? फोटो लैब? कौन सा फोटो लैब? अरे मैं तो धोबी की दुकान पे गई थी कपड़े धुलवाने। धोबी की दुकान? इसमें से खतरे की गंध आ रही है। बालू मेरे भाई तू धोबी की दुकान पे क्यों गया था? अरे भैया ये फिल्म का रोल धुलवाने गए थे ना। धोबी की दुकान पे कहा भैया, कोई गलती हो गई का? नहीं बालू तूने तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। इसी बहाने एक बदमाश की धुलाई हो गई। अरे काम मारे उसको। मेरी धुलाई हो गई। क्या करे? तेरी धुलाई मैं घर जाके करूंगा कमीने। काय भैया आप हमारी धुलाई काय करेंगे? अबे बेवकूफ, क्योंकि फोटो का रोल धोबी की दुकान पे नहीं फोटो लैब में धुलता है। अरे तो हम भी जानते हैं भैया। अरे पर बात तो सुनिए, हमें लगा हमारे एरिया का धोबी एक चांस देकर देखते हैं। भैया देखिए उसने काम खराब नहीं किया, ये देखिए कितना काला लेकर गए थे, कितना गोरा करके दिया, एक दो बार में और अच्छा हो जाएगा भैया। अबे तुम्हें क्या हुआ, यहाँ धुलाई मेरी हो रही है, चेहरा तुम्हारा सफेद क्यों होता जा रहा है यार? धुलाई अभी तुम्हारी हुई नहीं है, धुलाई तो अभी तुम्हारी होगी। तुम्हें पता है धोबी की दुकान पर एक लफंगे ने डॉली को छेड़ा। पता है यार। और बालू ने उस आदमी की जोर से धुलाई कर दी। अकी तो तुम जानते हो जिसे तुमने पीटा वो कौन था? कौन था? उसका नाम है पप्पू केटली बेवा। पप्पू केटली। क्या बात है भैया, ये पप्पू केतली का नाम सुनकर आप लोगों की हवा काहे निकल गई भैया? अबे बेवकूफ, तूने जिस पप्पू केतली के साथ पंगा लिया है तुझे पता है वो कौन है? अबे वो इस एरिये का भाई है। अब तो पूछे उससे पहले मैं तुझे बता दूं कि वो राखी वाला भाई नहीं है। वो ऐसा खतरनाक भाई है जो घूसा मारता है, चाकू फंसाता है, गोली मारता है। और बालू पप्पू केटली के पास ना एक केटली होती है जिसमें एसिड भरा होता है, और पप्पू उस केटली की नली को अपने दुश्मन के मुंह में डालते और एसिड पिला देता है। बाप रे बाप। और पता है पप्पू केटली अभी अभी ताजा ताजा एसिड अपनी केटली में भरने गया है, उसके बाद वो तुम्हें ढूंढेगा। तुम नहीं मिलोगे ना तो डॉली को ढूंढेगा। तुम दोनों नहीं मिलोगे। अबे बेवकूफ, तो फिर खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, गुब्बारे जैसा पचका हुआ, जल्दी भाग। बालू, हैरी, बालू,
कहाँ चले गए ये बासी गुलाब जामुन? अरे चलो यार जल्दी करो, जल्दी डालो। अरे जल्दी डालो ना यार ये। अरे एक बात बताओ भैया, ये हम पप्पू केतली के डर से मुंबई छोड़ने के बजाय उसके पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कर देते? अरे क्योंकि मुंबई के लोग पुलिस वालों की रिपोर्ट भी भाई लोगों के पास लिखवाते हैं। यहाँ के गुंडों के हाथ कानून से ज्यादा लंबे होते हैं बे। कितने लंबे भैया? नाप के बताऊंगा। ए बालू ये भी लेके जा। लेके जाओ मतलब? आप निकल रही है साथ में? अरे सारा फसाद इनकी वजह से हुआ है, पप्पू केतली आपको छोड़ देगा क्या? आप हमारे साथ चलिए जौनपुर, देखिए वहाँ पे मदन लाल जी के घर में ना हम आपको एक कमरा दिला देंगे किराए पे, अपना आराम से रहिएगा वहीं पे। हाँ तुम हमेशा मदन लाल जी को बीच में ले आते हो, आखिर ये मदन लाल है कौन? बालू हेरी हलकटो, क्या लफड़ा करके बैठे हो तुम लोग? पप्पू केतली तुम लोग को केतली में एसिड लेके ढूंढ रहा है। हाँ वो तो रेस्टोरेंट में आया था, उधर तुम लोग नहीं मिले ना, इधर आने वाला है अभी वो। पता है मिसेस देसाई, तभी तो हम लोग बैग पैक करके मुंबई छोड़ के जाने का इंतजाम कर रहे हैं। रे तुम लोग कहीं भी नहीं जा सकते, मैं जानती हूँ उसको, वो तुम्हारे पीछे जन्नम तक आएगा। तो हम क्या करें मिसेस देसाई? मैं तो कहती हूँ कहीं भी मत जाओ, एक बार जो मुंबई में आ गया ना वो कहीं भी रहने के लायक नहीं रहता। अरे मैं तुम लोग के लिए सब तैयारी करके लाई हूँ, ये देखो नाम बदलो, पहचान बदलो और कपड़े बदलो। अब क्या कह रही है मिसेस देसाई? मिसेस देसाई नहीं, सुमन भाई। सुमन भाई? ओ चाय वाला नहीं है समझी ना, मैं पप्पू केतली है, पप्पू केतली, इसमें एसिड है समझी क्या? एसिड है पर हम लोग को संडास से साफ कराने का है। डबल फॉर्म, तेरा फिगर क्या है, तेरा जिगर क्या है? मैं एसिड बेचने के लिए नहीं आया, तेरे मालिक को पिलाने आया। किधर है वो बुला? अरे पर अभी वो दूध पी के सोया है। दूध पीने का टाइम है क्या? उसको बुला नहीं तो तेरे को पिला दूंगा। मालिक ओ शिट ओ शेट आजा। बड़ी बड़ी पे भी हिप्पो आता है चिल्लाता क्यों है? अरे बड़ी बाबा ये कौन चर्या है? बड़ी बाबा पे सब आज पे लेने आया है क्या? ये बंदर लोग कौन है? यही तो मेरा मालिक है। बड़ी बाबा मैं रामलाल मसालाल मसानी, ये श्यामलाल मसालाल मसानी बाबा। भाई साहब गलत बोल रहे हो आप, हम रामलाल है आप श्यामलाल है। चर्या हम रामलाल है तुम श्यामलाल। कैसी बातें कर रहे हो आप? हमने अंदर तय किया था ना कि हम राम लाल होंगे और आप श्याम लाल होंगे। अरे चढ़िया अंदर भी मैं राम लाल था, बाहर भी मैं राम लाल हूँ, पहले तू श्याम लाल था, जिंदगी भर श्याम लाल रहेगा। चढ़िया अपने बाप को याद कर। ए बंदर चाप दांत मंजन, क्या हटेरे लोग हैं ये लोग, तुम लोग को ये भी नहीं मालूम कि कौन कौन है यहाँ, क्या कंफ्यूज हो गए तुम लोग? देखो बाबा देखो, कोई कण का फ्यूजन नहीं है बाबा। वो क्या है ना, मेरा भाई बहुत टाइम से पापड़ नहीं खाया है तो थोड़ा भूल रहा है। तो हम न मानेंगे, हाँ हम शाम होने राम हुए हम। ए मेरे को तुम लोग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को हैरी और बालू चाहिए। किधर है वो? बड़ी हैरी और बालू, ये दोनों चिड़िया कौन है? बालू और हैरी बड़ी? ज्यादा शान पार्टी मत कर, वो लोगों ने मेरा इंसल्ट किया, ये एसिड है ना उसके इंसल्ट कर दूंगा, बुला नहीं तो तेरे इंसल्ट कर दूंगा। आपको इतनी देर से भाई साहब वो बल ना वो रहते ना यहाँ पे बल। बड़ी बाबा ये क्या बोला? तेरा भाई है ना, तेरे को नहीं मालूम क्या बोला हूँ? चल 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 मालूम है मेरे को, घर का सबको बुला, अभी बताता मैं तेरे को। लेकिन घर चुप, नहीं तो एसिड पिला देगा। बुला चल, ये बटले बुला, आवाज लगा चल। बाबा बुलाता है बुलाता है। हाँ। आवाज अरे बाबा आवाज लगाओ ना बुआरी, ये दोनों को दोनों बाहर आओ जरा। ए जी ओ जी क्या है जी? बड़ी बाबा सुन में बाहर आ जाओ, ये आदमी मांडवाली करने आया है कॉम्प्रोमाइज का मीटिंग बाबा। हेलो मिस्टर पप्पू भाई केतली जी। नमस्ते।
नमस्ते जी। बड़ी बाबा अभी देखो दोनों चढ़िया छोकरी लोग आ गया है। ये हमारा चढ़िया वाइफ है गीता बाई, वो इसका चढ़िया वाइफ है सीता बाई, दोनों मसानी है। गलत बोल गए जे जी, मैं गीता बाई हूँ और ये सीता बाई है। हाय रब्बा, ना जी ना, मैं गीता बहन हूँ तो तुम सीता बहन हो। हमने क्या तुम दोनों कहा, ये गीता बहन है रे सीता बहन है, भाई साहब ये हमारी पत्नी है, आपकी पत्नी है, भूल गए आप? बाबा भूल तू गया है बाबा, ये मेरा वाइफ है, ये गोरा गोरा स्किन वाला वाइफ मेरा है, काला काला ब्लाउज वाला वाइफ तेरा है। ये कैसा कंफ्यूज फैमिली है रे, तुम लोगों को ये भी नहीं मालूम कि कौन किसका पत्नी है? केतली पाजी मैं तुहानू समझान दिया, गल ए है कि साड़ी ना नवी नवी शादी हुई है, ऐस करके सारा कंफ्यूजन हो रहा है। ओ बेन, ऐसा कंफ्यूजन में बहुत लोचा होता है, अभी आपने मेरे को भाई बोला ना, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ये मोटी केतली पकड़। लेकिन इसमें एसिड है। ए, ये नल्ली है ना नल्ली, इसमें डुच लगा है। क्या लगा है? डुच। कुछ नहीं होगा। ओ बेन एक बात सुनो, ए जीजा तू भी, अभी मेरे को ये बताओ कौन किधर किसके पास कैसे कैसे सोता है? बड़ी हम बताता है बाबा, जीजा मौजूद है, बेन को साइड पे हटाओ। क्या है कि दोनों भाई, छोटा भाई और मोटा भाई, ये बेबी हिपो बाई का साथ में वो बेडरूम का अंदर में जोर से सोता है, और ये दोनों चढ़िया औरत लोग हमारा वो बेडरूम में सोता है। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये तुम लोग इंसान है क्या जानवर? कम से कम ढंग से सोया करो, मेरे को तुम लोग के पचड़े में पड़ने का नहीं है। ये मोटी पेरा केटलीला, मेरे को हैरी और बालू किधर है? बोल। ए हैरी, ए हैरी, ए बालू मर गए। मर गए, मर गए। ये कहां से आ गया? ए हैरी, ए तुम सब लोग कौन है भाई, और हैरी और बालू किधर है? ए ले, अबे घिसेले टायर, मैं भी हैरी और बालू को ही ढूंढ रहा हूँ। घिसेले टायर किसको बोल रहा है? चाय वाले। ए तू चाय वाला किसको बोला बे? घिसेला टायर किसको बोल रहा है? बाबा बड़ी बाबा बड़ी, तुम लोग दोनों अंदर अंदर झगड़ा करता है, करो करो मत करो मत करो बड़ी, मैं तुम्हारा समस्या का वो करता है। बाबा क्या करता है? समाधान। समाधान वो करता है, मैं अभी तुम्हारा समस्या का। हैरी और बालू इधर रहता नहीं है अभी। अरे तू चुप है, तू कुछ नहीं बोलेगा, मैं बोलेगा। क्या रे तू झूठ बोला तू? मैं भी तो यही बोलने वाला था। अरे तू क्यों बोलेगा, क्यों बोलेगा? पप्पू केतली के केस में तू कौन होता है बोलने वाला? अरे हूँ आम मकान नो मालिक देसाई। हाँ देसाई भाई साहब, हम लोग ना आपके नए किराएदार है। नए किराएदार? तू पुराने वाले किधर गए? मैं फिर रखा छू, वो डर के मारे उड़ के भाग गया, डरपोक कहीं का भाग गए। लेकिन तुम लोग मेरे घर में मेरे परमिशन के बगैर कैसे घुस गए? हा? तुम्हारी वाइफ से परमिशन लेके आए हैं लोग। मेरी वाइफ? वो सड़ेली घिसेली मुटेली, उसको क्या हक है परमिशन देने का? ऐसा बोलने का नहीं उसके बारे में। क्यों, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? देखो गंजे प्राजी, हम दोनों पतिव्रता जनानियों के होते, तुझे किसी तीजी जनानी की बुराई ना करो जी। नारी शक्ति को मत जगाओ, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ए, जब से आया तुम लोग का मैं नाटक देख रहा हूँ, बहुत सुन रहा हूँ, अभी मैं बोलूंगा तुम लोग सुनेगा, कोई बोलेगा नहीं। अरे मेरे घर में तेरे को क्या हक बोलने का? ए कबूतर तू मुंह बंद रख। कबूतर? मेरे को कबूतर बोला? कबूतर बोला मेरे को? अबे बड़ी देसाई साहब, इनको बोलने दो। क्यों भाई साहब? क्योंकि ये वो है ना, वो पप्पू केतली है ये। हाँ उनकी केतली में ना एसिड भरा है, एसिड। हाँ और गंजे पाजी जी, आप ज्यादा बोलोगे ना तो ये सारा एसिड तुम्हें पिला देंगे। अरे बाप रे, नहीं नहीं बाबा, अरे हूँ एकदम चुप। पप्पू भाई अभी इसको लग गया है डुच। क्या लग गया है? डुच। हाँ अभी ये चुप रहेगा, तुम बोलो। हाँ अभी ये तुम लोग एक कंफ्यूज फैमिली में है ना, मेरा ये आखिरी स्पीच है। अपुन कौन है मालूम है? मुन्ना उस्ताद का चेला। बड़ी ये मुन्ना उस्ताद कौन है बाबा? मुन्ना उस्ताद बोले तो मुन्ना बाल्टी। अपुन जैसा केतली में एसिड लेके पिलाता है ना, वो पूरा बाल्टी में एसिड लेके नहलाता है, समझे? बाबा कितना बढ़िया काम करता है तुम लोग। बाबा 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 अपुन मुन्ना उस्ताद का चेला, अपन बहादुर लोग का बहुत इज्जत करता है। वो तुम्हारा छोकरा है ना बालू, वो बहुत हिम्मत वाला लड़का है, बहुत सालों बाद हिम्मत वाले लड़के से बाला पड़ा।
उसने आप लोगों को धुलाई किया, बहुत धुलाई किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं उसको इधर सलूट मारने के लिए आया, लेकिन मेरे को बहुत फील हुआ ये सुन के कि वो भाग गया इधर से। मैं इधर उसको चाय पिलाने के लिए आया था, ये केटली में एसिड नहीं है, चाय है। अभी क्या करे, डर के चला गया तो क्या करे, अपन निकलता है चाय लेके इधर से, खुद ही पी लेगा घर पे क्या। बाय बाय बहन, बाय जीजे, बाय बाय। हाल तो में आप सब लोग हमें इतना डरा दिए, बताइए अभी तुम लोग मेरे को बताओ कि तुम लोग हो कौन। अरे मेरा उजड़ा चमन, तेरी आंखें छेके बटाटो। अरे क्यों? अभी सुनो, तुम लोग रामलाल हो के श्यामलाल हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। अभी चलो और मेरे रेस्टोरेंट का डुच खोलो। क्या खोलो? डुच। हेलो मिसेस दी, अबे यार मैं कुत्तों का डॉक्टर नहीं हूँ, कितनी जान ए तू जान जा। क्या ये 2 घंटे हो गए, बालू को भेजा था कपड़े धुलवाने, अब तक नहीं लौटा। ये आदमी मेरे दामन पे ना सब ऑयल के दाग की तरह चिपका हुआ है, क्या करूँ जौनपुरिये का शहर है, हम लोगों को मार मार के परेशान है। गुंडा मवाली कमीना हराम खोर। अबे अब क्या हुआ, मैंने तुझे भेजा था ना वो धोबी के पास कपड़े धुलवाने, भेजा था ना मैंने। वही गए थे भैया, पिछली बार आपका फोटो का रोल हम धोबी से धुलवा लाया था, नाराज हुए थे ना। सीधी बात है यार, आज हम आपके कपड़े जो है वो फोटो लैब में देकर आए। भैया बात तो सुनिए, वहाँ हमें मिनी जी मिल गई। हाँ, और वहाँ पर वो बदतमीज भी था, उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया। ना 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 ना, लेकिन बालू ने उसकी वो धुलाई की ना कि बस। बालू अब डायरेक्ट मौत है। क्या डायरेक्ट मौत? तूने फिर से पप्पू केटली को दिया धपा थप, दिया धपा थप ना भैया। अरे पप्पू केटली नहीं था वो, तो कौन था? हो रहा होगा कोई। बालू, अरे बालू, अरे मैंने जानते हैं, बालू ने जिसकी पिटाई की ना फोटो लैब पर, बालू भाई कौन था? कौन था वो? मुन्ना बाल्टी था। मर गए भैया। बालू तू क्यों यूं बार बार सांप के बिल में हाथ डालता रहता है? ये मुंबई है बालू मेरी जान, यहाँ शरीफ आदमी को भी सर झुका के चलना पड़ता है। तू चलना मत, तू सिर्फ भाग भाग। अबे तू भी भाग, जल्दी कर, अबे तेरा बाप भागेगा, भाग। आ गया तुम खजूर लोग। बाल्टी से नहलाने आया, ये देख केटली भी खा ले, बाल्टी भी खा ले। इतना छोड़, आप लोग वापस काहे को आए ले हो भाई? अपन तो तेरे को रिक्वेस्ट करने को आया ला बाप। इसको जा तू जा। तू पब्लिक के सामने धो धो के हमारा इंसल्ट क्यों कर रहा है? देख पप्पू और मैंने ना लड़की लोगों का कार्य करने का बिल्कुल बंद कर दिया। बिल्कुल कार्य करना बंद कर दिया भाई। बहुत अच्छा किया भाई साहब। हाँ बाप, अभी तू हमारा धुलाई करना बंद कर दे प्लीज मेरे बाप। बालू अपन ऐसा नहीं करते, हट जाओ जरा। भैया भैया भाई बोल भाई 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 बोल बाबा। आप तो कह रहे थे कि मुंबई शहर में कोई शरीफ इंसान सर उठा के जिंदा नहीं रह सकता। बोले ला था बाबा बालू, लेकिन अभी ना अपने को भी लगने लगे ला है बाबा के मुंबई तेरे रंग में रंगने लगे लिए दम। तो जो भी जगह हर रंग में रंगने लगे ना बाबा, उसी को तो बोलते हैं मुंबई मेरी जान।